उत्तर प्रदेशातील हथरसमध्ये 19 वर्षाच्या तरुणीवर निर्दयीपणे अत्याचार करण्यात आला. तिचा त्यातच मृत्यू झाला. तिच्यावर झालेल्या अत्याचाराप्रकरणी देशभरात संतापाची लाट उसळली आहे. बारामती देखील या घटनेचा निषेध करण्यात आला. योगी सरकार हाय हाय, मनीषा के हत्यारों को फाशी दो, मनीषा के हत्यारों को फाशी दो, फाशी दो. या प्रकरणी गुन्हेगाराला फाशीची शिक्षा द्यावी असे निवेदन वाल्मिकी समाजाच्या वतीने बारामती प्रांत अधिकारी यांना 1 ऑक्टोबर रोजी देण्यात आले. सदर प्रकरणी लवकरात लवकर चौकशी करून संबंधित आरोपींना फाशीची शिक्षा न झाल्यास तीव्र आंदोलन करण्यात येईल असे या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. आज यहाँ पर उत्तर प्रदेश राज्य के हाथरस जिले में वाल्मीकि समाज के लड़की पर जो अत्याचार हुआ, जिस तरीके से उसकी हत्या की गई, उस हत्या के निषेध में हम यहाँ पर एक दिवसीय धरना आंदोलन बारामती शहर में कर रहे हैं. हम इस धरना आंदोलन से यूपी सरकार को और भारत सरकार को ये बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार आपने जातिवाद को और धर्मवाद को बढ़ावा दिया है, ये उसका नतीजा है. जल्द से जल्द ये जातिवाद खत्म होना चाहिए. जातिवाद का यही नतीजा है कि इस लड़की की पूरी तरीके से हत्या कर दी गई है. हत्या करने के बाद पुलिस लोगों ने इनकी ठीक तरीके से जांच नहीं करवाई, FIR नहीं करवाई, और उस लड़की के मरने के बाद भी उसका शव जो है उनके फैमिली को ना देते हुए परस्पर रात को उन्होंने उसका अंतिम संस्कार कर दिया है. ये बहुत ही निंदनीय बाब है. हम बारामती शहर वाल्मीकि समाज की तरफ से इस घटना का पूरी तरह से निषेध करते हैं.